हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। देखिए, गर्मी का मौसम चल रहा है और इसी मौसम में हमें पुदीना मिलता है। बहुत थोड़े से पीरियड के लिए ही ये रहता है मार्केट में। इसकी चटनी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो एक नई ट्विस्ट के साथ मैं आपको आज बताने वाली हूँ पुदीने की चटनी। तो अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो आइए शुरू करें। सबसे पहले तो आप इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए, फिर हम रेसिपी शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने पुदीना लिया है और ये पुदीना करीब समझ लीजिए कि आधा गड्डी पुदीना है जो बंच में आता है, उसमें से हाफ लिया है मैंने। इसके सारी लीव्स को मैंने सेपरेट कर लिया है और इसके बाद इनको वॉश करके एक कपड़े पर सुखा लिया। उसके बाद मैं इसको एक मिक्सी के जार में ले रही हूँ और साथ में मैंने दो छोटे कच्चे आम इसके साथ काट कर ऐड किए हैं, जिनको हम अमिया भी बोलते हैं। और साथ में मैंने करीब चार हरी मिर्च इसमें डाली है, थोड़ा कट कर लिया है। और लगभग 3/4 स्पून मैंने इसमें रेड चिल्ली पाउडर यूज़ किया है। साथ में मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ, ये आप स्वाद के अनुसार कर लीजिएगा। मुझे चटनी में थोड़ा तेज़ नमक पसंद है, इसलिए मैंने 1.5 चम्मच यूज़ किया है। और अब मैं ऐड कर रही हूँ इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट, ये मैंने 1 चम्मच भर के इसमें यूज़ किया है। तो ये चटनी बहुत मज़ेदार बनने वाली है दोस्तों। इसमें 1 चम्मच जीरा ऐड किया है। एक बढ़िया सा ट्विस्ट भी मैं एंड में दूंगी, इसलिए इसे एंड तक देखिएगा। ये देखिए दोस्तों, ये शायद सभी लोगों को नहीं पता है लेकिन मैंने इसमें 2 चम्मच चीनी ऐड किया है। मुझे इसका फ्लेवर इसमें बहुत पसंद है, बहुत मस्त फ्लेवर आने वाला है। देखिए, अभी हमने पीसा है तो ये अभी पूरी तरह नहीं पीसा है, इट मीन्स इसमें शायद थोड़ा पानी की ज़रूरत है, इसलिए अब मैं इसमें थोड़ा पानी ऐड कर देती हूँ। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ी गाढ़ा पेस्ट हमको तैयार करना है इसका। और अब मैंने पानी डालकर चला दिया है, तो देखते हैं दोस्तों। ये देखिए, हमारी चटनी पीस चुकी है और अब हमें इसमें ट्विस्ट भी देना है थोड़ा सा। तो देखिए, चटनी का कलर तो हरा होता ही है, मगर जब हम इसे रख देते हैं तो इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाता है। तो अगर लॉन्ग टाइम तक इसको प्रिजर्व करना है तो इसमें हम थोड़ा सा नींबू का रस मिला देते हैं। ये मैंने 1/4 टीस्पून यानी 1/4 चम्मच नींबू का रस इसमें ऐड किया है। और यहाँ पर मैंने इसको मिक्स कर दिया है अच्छी तरह से। और अब इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे। तो देखिए दोस्तों, कितना अच्छा ग्रीन कलर आया है इस चटनी का। अभी तो ये फ्रेश है, लेकिन अगर ये कलर हमें बरकरार रखना है तो नींबू ज़रूर यूज़ करना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, मैं क्या करने वाली हूँ। यहाँ पर मैंने एक आइस क्यूब ट्रे ली है और इस आइस क्यूब ट्रे में इसके सभी जितने भी खांचे हैं सभी में मैं चटनी भर दूँगी। और आप समझ ही गए होंगे आइस क्यूब ट्रे में हम लोग क्यों कोई चीज़ डालते हैं, क्योंकि जब हमें इसे फ्रीज़ करना होता है। तो ये देखिए, ट्रे के जितने भी पार्ट्स हैं सभी में मैंने चटनी फिल कर दी है और अभी भी थोड़ी चटनी मेरे पास बच रही है इसके बाद, तो मैं एक और ट्रे लेकर उसमें इसको कर दूंगी। थोड़ा सा टैप कर रही हूँ इसको, ये देखिए एक सी हो गए। और अब एक दूसरी ट्रे में हमारे पास जो चटनी बची है बाकी की, वो भी हम इसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे। स्पून की हेल्प से ये करना है दोस्तों। ये बहुत मस्त चटनी होती है, क्योंकि मिंट लीव्स थोड़ी सी बिटर होती हैं टेस्ट में, तो इसकी बिटरनेस को बैलेंस करने के लिए हमने इसमें शुगर यूज़ किया है। और शुगर डालने के बाद यकीन मानिए इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। और एक बार तो आप इसे ज़रूर ही ट्राई करिएगा। देखिए, हमने दूसरी ट्रे में भी चटनी इसमें रख कर दी हमने, और थोड़ा सा खाली भी बच गया है क्योंकि इतना ही बनी थी। और ये देखिए, दोनों ट्रे में चटनी कर दी, इनको अच्छे से टैप कर लिया है। और अब हम इसको रख देंगे फ्रीज़र में। और दोस्तों, इसे आप कम से कम 3-4 हफ्ते तक तो आराम से यूज़ कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होती है। अब मैंने इसे फ्रीज से निकाला है और मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ कितने अच्छे क्यूब्स इसके बने हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से फ्रीज़ हो गई है, कहीं वाटर बबल्स नहीं दिख रहे हैं इसमें। ये बहुत मस्त क्यूब्स तैयार हुए हैं हमारे। इसका फ़ायदा दोस्तों हमको ये है कि हमको जितना भी चटनी यूज़ करनी है उतने क्यूब्स हम निकाल लेंगे।
और हमें बार बार पुदीना साफ़ करना या लॉन्ग समय तक उसको रखना ये सब नहीं करना पड़ेगा। और आप भी जानते हैं कि पुदीने की जो लीव्स होती हैं वो 1 से 2 दिन फ्रेश रह पाती हैं, उसके बाद वो इतनी काली पड़ जाती है कि उसे पीसने का भी मन नहीं करता है। तो इसलिए आप इस ट्रिक को अपनाइए और मुझे बताइए मेरी रेसिपी कैसी लगी, और इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं फिर आऊँगी एक नई टिप के साथ। बाय बाय।